मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सनिच्चर के बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा ला संबोधित करें उन्हें मंच ले पिछला कांग्रेस सरकार ऊपर जम के तंज कसिन कहीं पिछले सरकार के मुख्यमंत्री ऊपर घलो सट्टा के आरोप में FIR है। बीते कांग्रेस सरकार के झूठ बोल के सत्ता हासिल करें जेकर सीतीन विधानसभा चुनाव में जनता हा कांग्रेस ला नकारी से उन्हें मीडिया के गोट बात करत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीं की प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। भाजपा प्रदेश के सबो 11 के 11 लोकसभा जीती संघी बीरनपुर में CBI जांच ला लेके कहीं की स्वतंत्र जांच एजेंसी है, चुनाव ले कोनो वास्ता नहीं है। अब ये सब स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, इनका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है, इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जब हार अब ईवीएम में भी ये लोग ठेकरा पड़ेंगे हार का। उन्हें बेमेतरा के कटिया गांव में बीते 28 अप्रैल के हुए सड़क हादसा में 9 लोगन के मौत हो गई रही, उन्हें 22 लोगन घायल हो गए रही, जय मां घटना में मृत के परिजन ला प्रधानमंत्री राहत कोष के आर्थिक सहायता राशि जारी करेंगे है, जय मां मृतक के परिजन मन ला 2-2 लाख रुपया और घायल मन के परिजन ला 50,000 आर्थिक सहायता राशि देंगे। गौरतलब है कि बेमेतरा कलेक्टर मृतक के परिजन मल्ला 25,000 रुपया और परिजन मल्ला 10-10 तत्कालिक आर्थिक सहायता राशि जारी करे रहे। जैसा कि आपको पता है 28 अप्रैल 2024 को हमारे जिले में एक भीषण दुर्घटना हुई। इसमें हमने प्रयास किया और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से जो मृतक जो हैं उनके परिवार को 2 लाख रुपए की संवेदना राशि जो है वो आज हमने स्वीकृत हो गई है और वो उन्हें मिल जाएगी और 50,000 रुपये जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको मिलेगी। तो इस तरह से जो 32 लोग जो प्रभावित हुए थे, 32 परिवार प्रभावित हुए थे। उन्हें दूसर खबर जांजगीर लोकसभा सीट ले है, जहां भगवान राम और शिव के माध्यम ले नेता मन जोर शोर ले प्रचार कर रहे और देख के लगते के बार लोकसभा चुनाव के डोंगा भगवान के नाम ले ही पार हो ही। यही कारण है कि चुनाव प्रचार में कुछ दिन पहले पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घलो कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ला इशारा करत कहे रहीन कि शिव राम ले लड़ सकते। उन्हें जांजगीर में चुनाव प्रचार करके डिप्टी CM विजय बघेल घलो मंच ला संबोधित करत भगवान राम ला सूर्यवंशी समाज के बताई कहें कि राम नवमी मा राम के सूर्य तिलक मा सूर्यवंशी समाज के घलो प्रतिनिधि होना चाहिए। ए बेरा सूर्यवंशी समाज के लोगन बर विशेष व्यवस्था बन CM विष्णुदेव साय के आग्रह करी। सूर्यवंशी रहे हैं, सत्यागत है और सूर्यवंशी समाज यहाँ विराजे है। सूर्यवंशी समाज इसने उत्तर प्रदेश बता के सूर्यवंशी समाज कुछ हरियाणा में बता के इसे मैं पूरा पता पाए हूँ। आप जाने तो बहुत दूरे दूर आए हो तो पता पाए हूँ तो एक दिन आप उनके पूरा समाज हुए ये भगवान राम के ही आप कौन से जावा कहा। गरियाबंद मा सनिच्चर के राजीव मा लगे दूध कहिया गांव मा बीते दिन शिव मंदिर मा होए तोड़फोड़ के विरोध मा हिंदू संगठन भारी आक्रोश देखे बर मिलिस। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू समाज के लोगन बड़का संख्या मा एकत्रित होके नेशनल हाईवे में प्रदर्शन करे। आरोप है कि घटना के 4 दिन बाद घलो आरोपी पुलिस के गिरफ्त ले बाहर है। उन्हें विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन हा आरोपी मन के फिर जल्दी गिरफ्तारी करे के आश्वासन दिलाए। हमारे संविधान में एक व्यवस्था बनी है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो हम पुलिस प्रशासन से व्यवस्था को ठीक करने की मांग करते हैं और ग्रामीण लोगों ने यहाँ के और बजरंग दल के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जब इस विषय को लेकर के पुलिस थाने में जाते हैं
और पुलिस से इस विषय को बताते हैं। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना था उस प्रकार से नहीं करते हैं, इस वजह से ये स्थिति हमारे राज्य में होती है। उहें दुर्ग मां कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू बर प्रचार करे बर पहुंचे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हा बिरनपुर हिंसा मां बड़े बयान दिन कहीं कि मैं तत्कालीन गृह मंत्री होए के नाते मोर फर्ज मां मैं निभाए हूं, लॉ एंड ऑर्डर ला संभाल के काम करिन। साहू समाज के लोगन हा ईश्वर साहू ला मदद पहुंचाए तब मैं घलो मोर बेटा के माध्यम ले ईश्वर साहू पर 50,000 रुपया भेजवाए रहूं। सीबीआई के जांच निष्पक्ष होना चाहिए। ईश्वर साहू के मुद्दा ला हर मंच मा उठा थे, केस मा दोषी मन ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं बिरनपुर कांड मा राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूप मा काम करे, संघ ही राज्य सरकार ऊपर घलो जम के हमला बोलिन और कांग्रेस सरकार के योजना ला बंद करे के आरोप लगाई। गृह मंत्री के नाते मेरी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन मैंने किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखा, अपराधियों को पकड़ा, अपराधियों को जेल में डाला गया, उस पर न्यायिक कार्रवाई की गई। मैं भी सामाजिक व्यक्ति होने के नाते 50,000 रुपया की राशि अपने बड़े बेटे जितेंद्र के हाथ में दुर्ग जिला साहू संघ के अध्यक्ष नंदलाल साहू के साथ उसके घर में भेजा और सहयोग मैंने किया। तो मंत्री के नाते मेरा दायित्व है वो पूरा किया, समाज के नाते मेरा दायित्व है वो पूरा किया।